शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि भदोही जनपद सूर्यवां ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय छपरिया में पिछले 2 माह से मात्र एक ही टीचर होने के कारण खुशी सहित 82 बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। अच्छा, आपके विद्यालय में क्या समस्या? सर, 1 से लेकर 5 तक स्कूल है, तो एक सर की परेशानी होता है ना हम लोग को, इसलिए 5 पढ़ाते हैं तो 5-5, 4-3 वाले बैठे रहते हैं, और जब हम लोग पढ़ाते हैं तो 1-2 वाले बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ समस्या तो खाली शिक्षक की समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षकों की समस्या ये है कि हमारे स्ट्रेंथ जो है 82 नामांकित बच्चे हैं, और अभी हाल ही में 1 महीने हुआ जो स्थानांतरण हो गए दूसरे शिक्षक, और इसी से समस्या आ गई जो है। हम अकेले जो है कक्षा 1-2 बच्चों को अगर देखता हूँ तो 3-4-5 की क्लास मेरी खाली हो जाती है, 4-5 देखता हूँ तो कक्षा 1-2 की क्लास खाली हो जाती है। इससे सारी समस्याएँ जटिल समस्या है, और कभी कभी जो है NPRC से फोन आता है, मीटिंग है, तमाम सारे कागजात हैं, कभी BRC मीटिंग है, और मैं एकल विद्यालय कैसे छोड़ के किसके ऊपर छोड़ के जाऊँ, और सारी जिम्मेदारियाँ हैं। आपने कोई प्रयास किया था? मैंने कभी प्रयास, अभी कहीं जा ही नहीं पाता, तो प्रयास कैसे प्रयास करें। मैं समझना चाहता है कि इस विद्यालय में और भी शिक्षक की नियुक्ति हो ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करता हूं कि आप लोग भदोही जनपद के BSA जिनका मोबाइल नंबर 94-53-00-41-99 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इस विद्यालय में और भी टीचर की नियुक्ति हो सके। मैं अनिल कुमार, भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।